आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात कर रहे हैं गुजरात पोस्ट सर्किल की रिक्रूटमेंट निकली है। आप देख सकते 2020 में 144 पोस्ट निकली है एमटीएस पोस्टमैन की और अदर पोस्ट की वैकेंसी निकली है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, उसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, आपने मेरे चैनल लर्निंग टाइम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में सबसे पहले पता चल सके। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको डिटेल एक चीज की बताऊंगा जो आपकी इंपॉर्टेंस नोटिफिकेशन की जो इंपॉर्टेंस टिप्स रहते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है, आपका जानना जरूरी है, तो उन सब के बारे में बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स, इसकी जो स्टार्ट है हो चुका है, फॉर्म को आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट हमारी 31 जुलाई 2020 है, ठीक है, इससे पहले आपको उसको नोटिफिकेशन को आ चुका है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं गुजरात पोस्ट सर्किल रिक्रूटमेंट के बारे में। इंडियन पोस्ट गुजरात पोस्ट सर्किल इनवाइट ऑनलाइन मोड एप्लीकेशन फॉर्म मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सनों के लिए जॉब वैकेंसी निकली है, उसको आप अपॉइंट करता है फॉर पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड मल्टी टास्किंग स्टाफ की जॉब वैकेंसी निकाली है, ठीक है। आप इसका ये देख सकते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर है, ये हमारा स्पोर्ट्स कोटा में वैकेंसी निकलेगी, ठीक है। 9/7 से इसका स्टार्ट हो चुका था, 144 पोस्ट की वैकेंसी निकली है, उसके लिए स्पोर्ट्स कोटा के जो है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी आप मैं एक एक डिटेल बता दूंगा आपको, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और, ठीक है, वो बता दूंगा मैं। इंडियन पोस्ट गुजरात पोस्ट सर्किल की है, जॉब टाइप हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, एडवर्टाइज नंबर ये है आप देख सकते हैं, जॉब नेम एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, टोटल वैकेंसी 144 गुजरात, 10/7/2020 से स्टार्ट हो चुका है, 31/7/2020। इसकी वेबसाइट है www.indiapost.government.in पर जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप नंबर ऑफ पोस्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपको पोस्ट असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की 52 वैकेंसी निकली जो कि आपकी 25,000 चली जाएगी और 81,000 तक जा सकती है। पोस्टमैन मेल गार्ड की 47 वैकेंसी है, 21,000 से लेकर 69,000 तक, मल्टी टास्किंग स्टाफ की 45, 18,000 से लेकर 56,000 तक इसकी सैलरी रहेगी, टोटल हमारी 144 हो जाती है। इस तरीके से एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे पोस्ट असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट आपका 12th होना जरूरी है इसमें, ठीक है, आपका क्लास 12th का होना जरूरी है। पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए 12th स्टैंडर्ड पास होना जरूरी है, मल्टी टास्किंग के लिए यहाँ पे हाई स्कूल वाला चल जाएगा। यहाँ पे आपको नॉलेज आपकी गुजराती होनी चाहिए, ठीक है, और मैं बता चुका हूँ ये हमारी स्पोर्ट्स कैटेगरी की जॉब है। पोस्टमैन मेल गार्ड पोस्ट असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट एज लिमिट 18-27 दे रखी है, एमटीएस की एज 18-25 दे रखी है, ठीक है, और एज रिलेक्शन रहेगा जो कि हमारे गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से रहेंगे। इंडियन पोस्ट की आप देख सकते हैं टेस्ट, इंटरव्यू स्किल टेस्ट पर आपको लिया जाएगा। एप्लीकेशन कैन अप्लाई रिक्रूटमेंट बाई ए फॉलोइंग 3 मेथड, जो कि आप मेथड 1 सबमिट करना ऑनलाइन एप्लीकेशन इस वेबसाइट पर आकर, ठीक है, एंड एस्पिरेट एप्लीकेशन OCA पोस्टमार्क जनरल कंज्यूमर सर्किल पे आपको कर सकते हैं, ठीक है। मैटर 3 कैंडिडेट में भी एप्लीकेशन थ्रू मेल आईडी goodsports@gmail.com पे आके कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 120 फीस रहेगी, ठीक है। इसके आपको अप्लाई करने का गुजरात स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पर इंडियन पोस्ट government.in पे जाएंगे, क्लिक ऑन अपॉर्चुनिटी एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, वहाँ पे आकर जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसके आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके जाता हूँ, किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये हमारा ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, ठीक है, जो कि हमारे स्पोर्ट्स कैटेगरी में निकला हुआ है इंडियन पोस्ट का, गुजरात की वैकेंसी 144 का इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आपको फर्स्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट हु रिप्रेजेंट कंट्री इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव क्लियरेंस डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता। सेकंड प्रेफरेंस कैंडिडेट हु रिप्रेजेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में, थर्ड प्रेफरेंस हु यूनिवर्सिटी एंड इंटर, आपको इस तरीके से फोर्थ प्रेफरेंस एंड स्टेट स्कूल एंड नेशनल स्पोर्ट, फिफ्थ प्रेफरेंस आपको कैंडिडेट हु हैव अवार्ड नेशनल अवार्ड इन फिजिकल एफएससी अंडर नेशनल फिजिकल एफएससी ड्राइव, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा दे रखा है किस किस को प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। वहाँ पे आप जो डिटेल दे रही है स्पोर्ट्स कोटा की, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दे रही है हमारे स्पोर्ट्स की कैटेगरी, ठीक है, ये आप लिस्ट है उसकी देख सकते हैं, ठीक है, मैं नोटिफिकेशन दूंगा, आप भी आराम से दे सकते हैं, ठीक है, ये पूरी डिटेल है हमारी वो दे रखी है आपको, ये मैं इसका आप लिंक दे दूंगा, आपको आराम से आप पढ़ सकते हैं। अब अप्लाई करने पे चलते हैं, देखिए फ्रेंड्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, ये हमारी स्पोर्ट्स स्पेशल हमारी वेबसाइट है जो कि स्पोर्ट्स कैटेगरी, आपको रजिस्टर करने के लिए इस पर रजिस्टर पर क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम, योर ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ठीक है, इस तरीके से आपको रिपीट योर पासवर्ड
सेलेक्ट करना होगा, किस कैटेगरी से आप किस सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट करना होगा, फिर रजिस्टर करना होगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे दिखा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, ठीक है, लाल रंग से यहाँ पे आ जाएगा रेड से। अब हम अपने मेल पे जाएंगे, यहाँ पे मेल पे हमें भेजा हुआ है, लेकिन मेल पर ही आया गुजरात सर्टिफिकेट, आप इस पर लिंक पर क्लिक करना है। इस तरीके से क्लिक करने के बाद आपको देखिए वैलिड सक्सेसफुली क्लिक हियर टू लॉग इन, तो आप इस पर क्लिक हियर टू लॉग इन पर कर देंगे, ठीक है। जो आपने यूजर आईडी और बनाया था वो यहाँ पर आपको रखना है और अप्लाई कर देना है। तो फ्रेंड वहां पर आपको क्या करना होगा, अपनी जो ईमेल आईडी है उसको डालना है और उसके पासवर्ड जो रखा है उसको इंटर करना है, ठीक है। इस तरह करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फादर का नाम देना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है, मेल फीमेल बताना है, ठीक है। यहाँ पे अपनी कैटेगरी बतानी है, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस बताना है, कम्युनिकेशन एड्रेस बताना है, ठीक है, दोनों सेम है तो वही रखना है, ठीक। इस तरीके से आपको अपलोड फोटो करनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज का फाइल जो 50 KB रहेगा और साइन का भी साइज आपका 50 KB रहेगा, ठीक है। आप जिस खेल से स्पोर्ट्स कैटेगरी से लेने वाले हैं भाग तो उसका नाम यहाँ पे देना है, ठीक है। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट का यहाँ पे नाम देना है, ठीक है। आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसके देना चाहते हैं वहां पे आपको यहाँ पे देना है जो डिस्ट्रिक्ट का आ रहा है, ठीक है। सेकेंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, तरीके से यहाँ पे देना है, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट है, पेमेंट करना, नेम ऑफ पोस्ट ऑफिसर, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आपको कर देना है, ठीक है। रिसिप्ट को यहाँ पर आपको इसको फिल कर देना है, ठीक। इस तरीके से करने के बाद आपको यहाँ पर अपने अपने ग्रेजुएशन के यहाँ भी मार्क इंटर कराने हैं हाई स्कूल के, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको मार्क को फिल करना है, ठीक। यहाँ पर करने के बाद आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर अपने SSC के मार्क की मार्कशीट इंटर करनी है, जो कि आप 200 KB है। यहाँ पे SSC की मार्कशीट की आपको अपलोड करनी है फोटो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ की फोटो करनी है, अपलोड कैटेगरी जिस आपकी जिस कैटेगरी से उसको करना है, कंप्यूटर एजुकेशन की आपको PDF में करना है, ठीक है। और एनी अदर डॉक्यूमेंट है तो उसकी आप उसकी कर सकते हैं, ठीक। इस तरीके से करने के बाद आप यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे प्रीव्यू देख लेंगे हम, तो इस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको ऑफलाइन भी कर सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे हमें ऑफलाइन करने का भी देखा, देखिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ई चैलेंज पेमेंट फॉर्मेट का भी दे रखा है, तो यहाँ पे आप इसको ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दे रखा है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए फ्रेंड। ये आप दे सकते हैं, ये हमारा ऑफलाइन फॉर्म है, इसको आप उसकी डिटेल दे रखी है। यहाँ पे आप जो स्पोर्ट्स कैटा दे रखी है वही फॉर्मेट है जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। इसको बस आप ऑफलाइन इसको जमा कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल एनी टाइम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।